नमस्कार दोस्तों, टेकटॉक्स इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन पे का टूर करेंगे। हम कुछ बेसिक सबस्टेशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। ये एक 224 के वी लाइन में है, ये चार्ज नहीं है, फिर भी हम नजदीक के चार्ज बे का चार्टरिंग का आवाज सुन सकते हैं। तो चलिए टूर चालू करते हैं। दोस्तों एक नजर में देखिए तो ऐसा दिखता है बे, यहाँ पे हम कुछ टावर्स और हॉरिजॉन्टल बीम्स देख सकते हैं। इसे हम गैंट्री टावर्स बोलते हैं और ये पूरे स्ट्रक्चर को गैंट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये गैंट्री स्ट्रक्चर कंडक्टर्स को सपोर्ट देने के लिए और गाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कॉलम्स और गर्डर बीम्स का बना होता है। हम यहाँ पे डबल कंडक्टर बस बार देख रहे हैं। बस बार की करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डबल कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वरना सिंगल कंडक्टर बस बार भी इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम बस बार के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये पोर्सलिन इंसुलेटर्स कंडक्टर्स को गैंट्री स्ट्रक्चर्स से जोड़ने के लिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बस आइसोलेटर है, ये बस बार की तरफ होता है, इसीलिए इसे बस आइसोलेटर कहते हैं। जब कोई मेंटेनेंस का काम होता है इसे ओपन करते हैं। इसे हम सिर्फ बंद कंडीशन में ही ऑपरेट कर सकते हैं। आइसोलेटर के बारे में अधिक जानकारी के लिए टॉप राइट कॉर्नर में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो जरूर देखिए। ये सर्किट ब्रेकर है। ये सर्किट चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि सबस्टेशन ऑपरेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये लाइन आइसोलेटर है। हम जो ये हॉरिजॉन्टल रॉड्स देख रहे हैं आइसोलेटर पॉल के बॉटम में, उसे अर्थ स्विच कहते हैं। अगर करीब से देखेंगे तो हमें एक इंटरलॉक दिखेगा जो कि अर्थ स्विच और आइसोलेटर के बीच में है। इस इंटरलॉक का काम है कि ये जब आइसोलेटर क्लोज कंडीशन में है तब अर्थ स्विच क्लोज ना हो, मतलब किसी भी हालत में चार्ज लाइन अर्थ ना हो। अर्थ स्विच इंडक्शन करंट डिस्चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब करंट ट्रांसफार्मर की ओर चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर्स मीटरिंग और प्रोटेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो देखते हैं सर्किट में इसे कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीटी का एक टर्मिनल ब्रेकर और आइसोलेटर को कनेक्ट किया है और दूसरा टर्मिनल मेन लाइन से लिया है। अभी लेफ्ट साइड में पोर्सलिन इंसुलेटर स्ट्रक्चर है कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए और राइट साइड में ऑक्सिलरी आइसोलेटर है। ये आइसोलेटर केवल टीबीसी ऑपरेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। टीबीसी की अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए। आखिर में सर्ज रजिस्टर, इसके बारे में एक अलग वीडियो है, कृपया दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। सर्ज रजिस्टर के पीछे तीन स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर्स केवल सपोर्ट के लिए है। तो दोस्तों ये था अपना बे टूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।